अपना उसूल डाउन नहीं करने का नो no मैटर सामने तो पादमी है बिकॉज़ इज़ ग्रेटर देन गॉड आई अ गर्ल जो मैं पंद्रह साल की थी आई कुडन से कि यार मेरे साथ ऐसा बात मत करो फिर जब आया वक्त सबको फाड़ के रख दिया आज वो देखते होंगे ना बुली करने वाले ये क्या हो गया यार आई नवर से दी वर्ड आई से त्रीफ इंडिया <laughs> <laughs> की पहली प्लस साइज मॉडल बन चुकी थी लेकिन ना प्लस साइज वालों को hmm. पैसे का काम नहीं मिलता मतलब एक लड़की जिसका पर्सनैलिटी किसी को मालूम नहीं hmm. वो लड़की को इतना प्यार मिला दस हफ्ते के हर नॉमिनेशन में मैं सेफ हुई हूँ एंड एवरी वीक नॉमिनेटेड

मीठे तरीके से लोगों को रोस्ट करते हैं कि लोग बुरा भी नहीं मानते हैं सबकी फेवरेट जुबैदा खाला ए like <laughs> के ए फिजा खान वाले तो खाला <laughs> <laughs> कैसे है? बोल रहे मेरे को कब से सुला के रखी है ड्रेस पहन के निकली है इतरा रही है ना काली चुड़ैल की तरह निकली मेरे को घर में पटक के गई है क्या चल रहा हल्के में ले रहे, <laughs> like तो से रहे। कुछ चलता है उनका so, by the way, वो जुबैदा है या जुबैदा है वो जुबे जुबे जुबेदा, है। जुबेदा, है ना, उसमें जुबेदा yes. में वाइफ है सुलेमान को जब मिली थी तो जुबैदा थी फिर उसके प्यार में हो गई घिस <laughs> जाते हैं ना लोग प्यार में <laughs> ये भी घिस गई शादी में <laughs> आपका जो और है आपकी जो वाइब है इट्स वेरी स्वीट इट्स वेरी वॉम इट्स वेरी वेलकमिंग एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू हैव बिन एडवोकेटिंग अ लॉट ऑन एम्पावरमेंट अ लॉट ऑन इक्वालिटी अ लॉट ऑन बॉडी पॉजिटिविटी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है समवेयर यू नो स्कूल में या कॉलेजेस uh, में पीपल आर वेरी क्रिटिकल अबाउट सर्टन थिंग्स के अगर कोई परफेक्ट इंसान भी होगा ना तो उसमें भी कीड़े निकाल कर दिखा देंगे कि आपकी नाक मोटी है <laughs> आपकी आंखें खराब है यू you नो know, आप बहुत ज्यादा पिंपल्स क्यों है हाँ अब <laughs> <laughs> बहुत ज़्यादा मोटे हो आप बहुत ज्यादा पतले हो एंड यू नो व्हेन वी आर ग्रोइंग अप दैट टेक्स अ टोल ऑन आर लाइफ ऑन मेंटल हेल्थ वो थोड़ा हम कॉन्फिडेंस जो है ना हमारा बहुत हिल जाता है करेक्ट वो इनिशियल स्टेजेस में जब ये सारी चीज़ें होती है सो यू हैव बिन सच अ कॉन्फिडेंट पर्सन जितना जितना भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है सो वॉज दिस सिंस द चाइल्डहुड या फिर कुछ तो एक फ़ेज़ आया देन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ वॉट वॉज इट लाइक बहुत सारे फेज आया ऐसा एक फेज नहीं आया मैनी फेजज आई वॉज अ गर्ल जो मैं पंद्रह साल की थी आई कूडेंट इवन से यार मेरे साथ ऐसा बात मत करो Hmm. वो होती है ना लड़कियां जो सोचती है अब इसने अगर ऐसा बोला ना मैं इसको ऐसे जवाब दूंगी और बहुत बुली हुई हूँ सुनामी चलता है बट हम कह नहीं पाते क्लास्ट बुली होता है ना जैसे बुलिंग द मिडॉकर चाइल्ड आई वेंट थ्रू दैट तो मेरे को बहुत था ये लुक्स कपड़े कैसे पहने ये कि ये सब था अंदर सब भरा हुआ था बहुत साल फिट इन किया सोसाइटी के उनकी तरह बन के रहना हाई हाव यू या हाव यू यू बी लाइक अभी मैं अपना स्नैपचैट देख रही थी 2015 का मैं थूक दिया खुद पर व्हाट द हेल आर यू डूइंग या ऐसा कौन बनता हम लोग जब बहुत नाम रखे जाते हैं ना हम लोग बहुत फिट इन करते हैं और आज भी बहुत लोग करते हैं वी ट्राई टू बिकम वॉट वी आर नॉट डिप्रेशन आता है फिर देर इज़ अ गैप गैप है so, तो फिर मेरा वो एक दो फ़ेज़ आया बहुत गंदे गंदे फ़ेज़ रिजेक्शन ब्रेकअप रिजेक्शन मीन पीपल ख़राब दोस्त बहुत ख़राब दोस्त फाइनली फिर जब मेरा ये प्लस साइज़ में भी मैंने नया नया स्टार्ट किया बोला फैट फ़ैट फैट अलहमदिल्ला मौका मिला एंड आई किल्ड इट बिकॉज आई वॉज़ वेरी टैलेंटेड ऑलवेज़ अलहमदिल्ला मुझे कभी स्कूल में भी मौका नहीं मिला शाइन करने आई वॉज द चाइल्ड नोवेडी रिमेम्बर्स कभी नहीं ऐसा दिल में बोलती रहती हूँ ऐसा बोलूँगी एक दिन ऐसा करूँगी एक दिन स्टेज पे जाऊँगी ऐसे करूँगी ये करूँगी वो करूँगी कभी किया ही नहीं फिर जब आया वक्त सब को फाड़ के रख दिया <laughs> आज वो देखते होंगे ना बुली करने वाले ये क्या हो गया यार फिर <laughs> तो लगा था घर हो गया इसका मतलब गाड़ी टर्न यू टर्न आउट सो या या बहुत done, जब आप सहते हो ना फाड़ देते हो फिर यू डन इट एंड हाउ या अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी आर गोइंग टू डू इट मच मोर इंशाल्लाह सो वॉट यू मतलब डू यू थिंक फैमिली बैकग्राउंड इसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिली का कुछ रोल था बिकॉज नाउ दैट वी सी इज़ अ कट टू इट्स लाइक कॉन्फिडेंट फिजा खान अगर स्कूल वाला अगर हम देखते हैं तो दैट वॉज अ वेरी शाई एंड वेरी बैड या पथेटिक मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ ना वो मैं बहुत सॉफ्ट और वीक किड थी वीक यानी कि नॉट लाइक दैट आई वॉज वेरी गुड विद स्टडी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग से आती हूँ अल्लमदिल्ला मदर ना बहुत एडुकेशन पढ़ाई क्योंकि शिवॉज अ पारसी ना गुजराती बिफोर मैरिज बहुत मतलब कि फिर मम्मी एकदम फ्रीडम वाली थी और मम्मी एकदम ऐसा कि अपना करने का और मम्मी हमेशा मुझे बचपन से ऐसा फील कराती थी माई डॉटर विल बिकम मिस वर्ल्ड वाह मै मम्मी को बहुत मेरे पे कॉन्फिडेंस था मतलब मम्मी को चाहिए था कि मैं कुछ करूँ और फिर मम्मी ने बहुत हेल्प किया सुपर एक्सेप्टिंग वुमेन मतलब बहुत वो स्ट्रिक्ट है बहुत मुझे आज भी लेफ्ट राइट सेंटर बहुत मारती है बातों से वर्ड्स से <laughs> ठीक <laughs> है बट मम्मी बहुत कॉन्फिडेंट है फादर hmm. भी एवरी वन इन माई फैमिली मेरी फैमिली में औरतें ना दे आर वेरी पावरफुल मेरी दादी में माई ग्रैंड मदर एवरी वन दे आर लाइक शो रनर्स तो मैं मैं ऐसे ब्लड लाइन से आती हूँ औरतों ने मतलब जो मेरी एंसेस्ट्रल लाइन है ऐसे काम किए हैं माई ग्रैंड मदर मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में गई है तो एक वो होता है कि हाँ ये लोग सब ना कुछ थे माई ग्रैंड मदर वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फोर्टी ईयर्स तो इतना काम करने वाले लोगों की तरफ से मैं आती हूँ तो मेरी मम्मी ने बोला जो भी है आप वर्क hmm. हर चीज़ में कुछ भी है ब्रेकअप हो गया हाँ तो होता रहता है अभी और होएगा <laughs> <laughs>

माँ कभी ऐसा मुँह से ऐसे तारीफे नहीं इवन टुडे अगर मेरे को कोई अवॉर्ड भी मिला है हाँ होगा और इन शह और ये 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 अवार्ड मिला यार मम्मी बट मम्मी का स्टैंडिंग और शी ऑलवेज़ बी देयर मेरे को इतने जगह पे मैंने अपना ट्रस्ट टाइम लव रिलेशनशिप सब किया मदर इज वेटिंग कि अभी थोड़ा मुके पर गिरे ही आ जाएगी <laughs> तो जुबेदा में मैंने मॉम डाली है अच्छा जुबेदा अपनी बेटी को जैसे ट्रीट करती है हुँ, हुँ. चल ना दिन भर लिपस्टिक घास के क्या उखाड़ लेंगे तुम लोग कोई नहीं देख रहा तुम लोग को तो ये मेरी मॉम से मुझे मिला है <laughs> कि वो लोग ऐसा डिमीन कर रहे ताकि बेटियां स्ट्रांग हो जो आपको <laughs> बाहर या yeah. आपके दोस्त पीठ पीछे बोलते हैं hmm. वो आपकी माँ आपको मुंह पे बोलेगी करेक्ट द वर्ल्ड आउटसाइड इज क्रूअल प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट आपको आपकी फ्रेंड जो पीछे वो आपकी माँ आपको मुंह पे बहुत अच्छे से बोलेंगे नहीं बहुत खराब सूट दिख रहा <laughs> चेंज कर बहुत खराब दिख रही बहुत मोटी लग रही है <laughs> आज भी <laughs> पेट दिख रहा है पूरा पेट लटक रहा है चेंज <laughs> बोली और बुरा बोलो थोड़ा डिवीन मम्मा ये बहुत थोड़ा डिवीन किया थोड़ा, थोड़ा।, <laughs> थोड़ा और करो ना ये ऐसा होना चाहिए सो माय मॉम इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द जुबेदा इन मी कॉन्फिडेंस या <हो> <laughs> सो हाउ डिड योर मोम रिएक्ट टू यू गेटिंग इन टू अ रियालिटी शो मतलब जिस फेज में मैं अंदर गई थी रियलिटी शो के वो फेज़ वॉज नॉट गुड आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रॉपर इनकम एंड आई रिमेंबर मैं एक बहुत बड़े गाड़ी के ब्रांड में इंडिया की पहली प्लस साइज मॉडल बन चुकी थी लेकिन ना प्लस साइज वालों को mm -hmm. पैसे का काम नहीं मिलता ऑल द बिग वर्क का डेड आई वॉज इन मैगजीन्स कॉस्मोपोलिटन इंडिया एल एफ डब्ल्यू और ये सब बड़े बड़े बहुत बड़े काम किए मैंने मनी वॉज नॉट देयर सो आई टुक जॉब एट वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरी गाड़ी का ब्रांड एक महीना मैं वहाँ जाके क्या थी आई वॉज अ शोरूम हॉस्टस पंद्रह हज़ार फॉलोअर थे उस टाइम पे मेरे आई वॉज नॉट वेरीफाइड वहाँ जाके मैं नौकरी कर रही हूँ वो चाय कॉफ़ी बना के जो बॉसेस को देना और सब आते हैं ना तो वो गाड़ी खोल के उनको दिखाना एंड फिर बाद में एक महीना थी और मेरा एक ऐसा है ना कि मुझे म्यूचुअल रिस्पेक्ट अच्छी लगती है कि मैं भी देती हूँ और लाइफ का वो जो एकदम मैं बोला ना कि मैं बहुत ख़राब फेजेस से बाहर आने वाली लड़की हूँ तो मैं किसी को आप खुद को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं देती हूँ बिफोर सम वन मी आई कट दैम आउट करेक्ट तो मैं वहाँ पे एक महीना जॉब की फिर वो लोग बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थे आई लव द जॉब अब मैं मेरी एक फ्रेंड थी जो पहले प्लस साइज मॉडल मेरे साथ थी वन आई बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट प्लस साइज शी वॉज ऑल्सो नोन इन हर हर्जॉनर नेम इज़ निशा ओके उसने मेरे को बोला यार मुझे ना एक रियलिटी शो का ये आया है तू करेगी क्या मैंने बोला पागल है क्या मैं थोड़ी मैं ये सब रियलिटी शो में अपने को सुबह उठने का वहीं पे वहीं पे दिखते रहेंगे आई एम नॉट प्रिपेयरड और मेरा बिहेवियर बहुत ख़राब था उस टाइम पे मैं लोगों की आई वॉज़ वेरी नॉट गुड मैं बोला मॉडलिंग में क्या है वीडियो तो किसी को सुनाई नहीं देता है हम क्या बोल रहे हैं अंदर से यहाँ पर अपना पर्सनैलिटी दिखाना है बहुत कॉन्फिडेंस आया वहाँ क्योंकि स्टार्टिंग के पाँच छः दिन आई वॉज काम 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 मतलब कि मैं वहाँ पे अंदर एंट्री ली हूँ फॉर मी इट वॉज़ वेरी बिग फ्रॉम नो टू कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमराज एंड एंट्री हो रही है और मैं लॉक हो गई हूँ तो वो लड़की ने वो शो छोड़ा तो वो मेरे को मिला निशा स्किप्टेड uh, hmm. अरे तू जाना यार ब्रो तू जा तू बहुत अच्छा करेगी wow. <laughs> आज भी मैं उसको अभी थोड़े दिन पहले कॉल मतलब वी आर नॉट इन टो हैविंग नथिंग पहली चीज मॉम ने यही बोला कि अरे कैसे होगा क्या होगा पहले उनको रियलाइज़ नहीं हुआ क्या होने वाला है फिर मैंने आई हैड टू टेक लोन वोन एवरी थिंग एंड आई टू का लोन बिकॉज कपड़े लेने होते हैं मेरे पास मेकअप नहीं फेस वॉश लेना है शैम्पू लेना है, कैसे जाएंगे mm. अब हमको पता था कि हम चालीस दिन जा रहे कहाँ वो हिट हो गया सुपर हिट और कहाँ वो सत्तर दिन तक मैं लास्ट डे तक थी अंदर ओनली मतलब एक लड़की जिसका पर्सनालिटी किसी को मालूम नहीं hmm. वो लड़की को इतना प्यार मिला दस हफ्ते के हर नॉमिनेशन में मैं सेफ हुई हूँ एंड एवरी वीक नॉमिनेटेड एविक्ट किसको करे फिजा खान वोट आउट किसको करे फिज़ा खान सबसे ख़राब कौन है फिजा खान क्योंकि मैं हर बार क्यों लोगों को खटकती हूँ मैं आपको सच बोल के बहुत डिसअपॉइंट करने तैयार हूँ पर अब मैं आपको मुझे डिसअपॉइंट करने नहीं दूंगी दैट्स माई मोटिव कोई बोले नो यू शुड नॉट हर्ट पीपल एंड वो हर्ट करके चले जाओ इससे पहले मैं उनको दिखा दूंगी मेरे से ऐसा बात नहीं करने का तो जो जुबेदा इनसाइड में है ये घर पे आई एम नॉट सम पर्सन नो बट आई डोंट लाइक Disrespecting people and मुझे ऐसा लगता है खाली माँ बाप का बेजती उठाओ हर इंटरव्यू में ऐसे आई विल नॉट एक रिचनेस डिसेंट हो गई ब्लॉक 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 मेरा ब्लॉक लिस्ट फ्रेंड लिस्ट से भी लंबा है व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट अगर है ना अठारह पंद्रह <laughs> होगा ब्लॉक लिस्ट में डेढ़ सौ दो सौ आई एम दैट पर्सन आई नॉट टॉक इसलिए खुश हूँ नेगेटिविटी दूर रखती हूँ और वे अल्लाह से भी आए प्रे वन थिंग इससे पहले वो लोग नेगेटिविटी लाए आउट आपका जो कंटेंट है जो uh, जुबैदा खाला जो रोस्टिंग hmm. करती है मस्त रोस्टिंग होता है वो इफ़ यू सी वो कहीं ना कहीं uh, वो फैमिली में एक क्रेजी क्रैंकी आंटी होती है या कोई तो एल्डरली पर्सन है उसका कहीं ना कहीं डिपिक्शन होता है एंड इट्स वेरी मच रिलेटेबल इफ यू सी लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं आपका कोई भी कंटेंट है लोगों को शायद तकलीफ होती होगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आईना दिखाने वाला कॉन्टेंट है बट फॉर्चुनेटली आई हैव सीन दैट देर इज नो लाइक क्रिटिकली हेट थिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड यू और यू नो वॉट एव वी हैव सीन वट इज द रीजन बिहाइंड दैट हाउ डू यू ड्रॉ अ लाइन बिकॉज सी यू रोस्ट मीठा रोस्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा बट इट्स नॉट इंसल्टिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम सो वाइल ड्राफ्टिंग योर कॉन्टेंट और वाइल मेकिंग द कॉन्टेंट वॉट इज दैट यू कीप एन माइंड कि हाँ नहीं दिस इज अ लाइन इसके बाहर बहुत आई मीन दैट इज द इंसल्टिंग जोन एंड दिस इज सेफ जोन उसमें कुछ सिया, मेरा पर्सनली भी ऐसा है नेचर hmm. मैं आपको सब कुछ आपके मुंह पे बोलूँगी पर दायरे में hmm. मैं आपके साथ भी फॉर एग्जाम्पल हमारा कुछ हो गया मेरे दिल में ना आपको लेके कुछ बात आई तो लोग आजकल क्या करते फैशन है कि दे विल टेल दिस पर्सन देन दिस पर्सन देन दिस पर्सन फिर वो आपको बोलेगा इसको तो, तो तुमसे प्रॉब्लम है ये क्यों पोस्ट डाल रही है खुश वाला <laughs> तो इससे पहले वो हो मैं आपको बोल दूँगी ले सही नहीं लगा ये तुमने रॉन्ग बोला हक से और वैसे ही मैं कॉन्टेंट बनाती mm -hmm. हूँ मेरा नेचर ही नहीं है आई आई नेवर हैव फाइट्स आई विल से कि लिसन आई डोंट लाइक दिस शुडन बी रिपीटेड सामने वाला बोलेगा नहीं वॉड एव फिजा खान अपने घर पे तो भाई बात मत कर तो मेरा ऐसा है मैं वहीं कट कट टू कट चलती हूँ कॉन्टेंट mm -hmm. में um, इतना है रिलीजियस मुझे बहुत सी बातें हैं जो मैं बोल सकती हूँ mm -hmm. लेकिन मेरा यूनिफॉर्म नहीं है ना रिलीजियस वाला तो मुझे अलाउड नहीं है mm -hmm. अपने ही लोगों से सो so, आज अगर मैं एक दुपट्टा ओढ़ के भी बात कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे रूट से ही है मैं यहाँ से आ रही हूँ लेकिन यहाँ से आने के बावजूद मेरे ऊपर एक फ़िल्टर लग जाता है कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूँ देखो अकेली औरत हूँ कोई शादी नहीं हुई है बहुत अच्छा हस्बैंड भी चाहिए मुझे लाइफ में मैं शादीवादी करने वाली हूँ मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो लोग मेरे अगेंस्ट यूज़ करें और अगर वो करना चाहते तो मैं उनको वो कॉन्टेंट देती नहीं आप मेरा कोई भी जुबेदा कॉन्टेंट उठा लो आई नवर अब्यूज नॉट वन अब वर्ड बीच में एक वर्ड यूज किया विच आई डेंट नो इज कास्ट आई डेंट नो अब हम लोग को अब तुम कुछ भी बोल लो हम लोग तो ऐसे ही वो वर्ड यूज कर रहे वो इतना बड़ा हवा बनने से पहले बारह मिनट हुए थे अपलोड के और वो ऑलमोस्ट इट क्रॉस्ड वन लैख रियली इट वॉज सच अट कॉन्टेंट बट एक वर्ड दो, मैं अकेले के कड़ाई नहीं घसूंगी इतना करीना लेके मैं थोड़ी कड़ाई दूंगी ले दो बेटियाँ लगी हुई है सेल्फियां भेज रही इमरान को की ईद के दिन मिलेंगे तो मेहंदी लगा हुई है बट उसमें एक वर्ड था अच्छा। इतना अरे मैं बोली अरे इसका लफड़ा होगा डिलीट कर दो मेरे कोई गम नहीं है So, कहीं कहीं मिस्टेक होता है आई विल से वर्ड आई डोंट नो इफ 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 इट इज एक्चुअली या यू 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 डोंट माइंड कैन शेयर दैट बिकॉज ना वो क्यूरियटी हो रहा है nah, क्या था? I can't. No. ये भी लफड़ा <laughs> <laughs> पता कैसा हो गया अभी <laughs> कुछ भी बोल रहे हैं ना थूक भी बोलेंगे ना उसमें से भी वो एक <laughs> जॉबलेस इंसान hmm. होता है जो वीडियो इतना गौर से ए ये बोली पकड़, ये, पकड़। <laughs> ये ये इसकी इसकी इसके अंदर डाल देंगे <laughs> ऐसा देख रहा है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आ, आ बोलने वाली बोलने वाली ये बोलती 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 दी बोल दी सो आई टू सी हाँ यहाँ नहीं है हाँ hmm. ये वर्ड ठीक है एंड आई यूज लॉर्ड ऑफ उर्दू वर्ड्स जहालत इतनी इंग्लिश कि उर्दू नहीं समझती इन hmm. लोग को लेकिन <laughs> मैं बोलती हूँ आई नेवर से द जी वर्ड आई से तशरीफ I'm also very good writer. <laughs> हाउ डू यू दिस इज दिस इज अ चैलेंजिंग जॉब लाइक इफ यू सी कॉन्टेंट क्रिएशन कॉन्टेंट डेवलपमेंट इज नॉट ईजी क्रेजी इट रिक्वायर्स लॉड ऑफ एफर्ट्स इट रिक्वायर्स हाउ डू आई मीन इट्स इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब ऑल्सो एट द सेम टाइम सॉरी टू कट यू बट दिस जॉब इज इजी ऑल्सो फॉर होम मेकअप लगाया और फिर ये मी ये मी ये मी ये मी यही कर रही होती <laughs> नथिंग कुछ देखना नहीं पड़ता <laughs> ऐसा आ, नहीं बोल रही कि इजी ये, है सेफ है या खाली नाच रहे ब्यूटीफुल दिख रहे सेक्सी बन रहे डन बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना मैं बोली कंटेंट मेरा बनेगा hmm. मेरा कंटेंट तुमको लगेगा अगर तुम बुरे हो अगर आप अच्छे हो ना आपको मेरा कंटेंट कभी ऑफेंड नहीं करेगा ह्यूमर वे में लेंगे लोग ह्यूमर में लेंगे और मैं तो उनका बात कर रही हूं जिन्होंने गलतियां और बुराइयां की है तो नेगेटिव ही लगेगा अगर तुम बुरे हो तो वो तुमको ही नेगेटिव लगेगा लोग बोलते वाई, सो नेगेटिव मतलब ये ये है है वो है। हाँ। ये रिलेट की किसने इसको नेगेटिव लगा सो आई मेक रिलेटिव थिंग्स और मेरा रिलेट क्या है पता है अभी तुम्हारा प्रॉब्लम है विल बी अ कॉमन प्रॉब्लम है नो वुमन वॉज एवर माई गुड फ्रेंड एक तो होती हुँ. आज की बात नहीं कर रही माई अर्ली टाइम एक औरत कैसे आपकी दोस्त अच्छी नहीं बन रही वाई ऑल आर कम्पीटिंग विद योर ब्यूटी इवन वेन योर फैट मेरी दोस्त लोग पतले फिर भी मेरे से कॉम्पिटिशन कर रहे क्यों कर रहे mm. मैंने कभी बोला आपका पेट चपटा है मुझे भी चाहिए <laughs> आपका पेट एकदम शिल्पा शेट्टी का फिगर है आपका ऐसे ऐसे आप कर रहे हो मैंने मांगा mm. पर मैंने एक अच्छा आई मेकअप किया तो तुमने जलन में कॉपी किया और बोला ये मत ना, hmm. अगर मैं सही तो इतना बोलती हूँ कॉम्पीट करने पे नहीं आते चीप होता है, hmm. women, बहुत चीप लगता बहुत hmm. चीप है कुछ नहीं करने का ना तो ये करने का आई ऑलविज सी दिस कम वेरी मच लेटर इन दिसरियो uh, when we talk about women empowerment specifically when I'm addressing the young people, um I usually bring up this point that for women empowerment we'll also have to make sure that women are supporting the concept of women empowerment. Women empowerment में सबसे ज़्यादा उनका power charger खीच के वायर काटने वाली भी औरत ही है. Exactly. आदमी तो चलो ठीक है आदमी लोग respect बहुत आदमी लोग आते हैं ऐसे background से, से उनलोग को नहीं पता कि औरतों का अवधा क्या है hmm. इज़्ज़त कैसे करने का पर मैं हमेशा बोलती हूँ जो माँ अपनी uh, जो uh, बेटा अपनी माँ बहन का बहुत रिस्पेक्ट करता है mm. ना क्लास मैन दे आर बिकॉज दे रिस्पेक्ट दे आर वेमेन तो ऐसा yeah. अच्छा yeah. लेकिन देर आर वेमेन ना वो लुक बहुत खटकती है औरतें दे वेरी गुड विद मैन आई रिसेंटली सॉ एक इंटरव्यू यू नो वाट आई एम टॉकिंग अबाउट उसमें बोला कि औरत नर्चरर आदमी ब्रेड विनर नहीं वॉट अबाउट द वेमेन जो पूरा घर का सब चला रहे बेटों को भी खिला रहे आदमी को भी खिला रहे कितनी औरतें तुमको पता है मेरे खुद के रिलेशन में देर सो मैनी वेमेन आदमी ओके कमाता था अभी काम उतना अच्छा नहीं चल रहा औरते है औरतें कर रही हैं सुबह में नौकरी पे जा रही है शाम को घर आ रही है खाना भी पका रही है बच्चे भी पाल रही है बच्चे, भी रही है, बच्चे स्कूल भी जा रहे फीस भी दे रही है ईएमआई भी भर रही है और आदमी को बोल रही बैठना बाबा माय जान ऐसा नहीं है डिसपेक्ट नी फॉर मैन बड़े माय जान सिट ना तो कर लेना अभी फिलहाल मैं करती हूँ ना <laughs> ये होता है फेमिनिज्म बट mm. नहीं औरत नर्चर मतलब हम लोग सिर्फ बच्चा निकाले उसको दूध पिला उसको बड़ा करे उसको स्कूल भेजे टिफिन बांध दे रात को चादरें घड़ी करे गद्दे लगाए तकिए हाउ यू कैन बींग अ वुमन पुट अनदर वुमन इन दैट बॉक्स नर्चरर बोले आदमी क्यों नहीं नर्चर करे माई डैड इज़ अ ग्रेट नर्चरर वो हम लोग को बहुत नर्चर किया एज़ uh, मतलब कि कभी कभी मॉम बिजी है मैं कर लेता हूँ ऐसे भी कितने अच्छे आदमी हुए देखे तो बिजी है सुन मैं आज कुछ अच्छा पका लेता हूँ किचन में करते हैं यार ऐसे भी है तो सी yeah. ब्राइटर साइड एंड मैरिज इज ऑल अबाउट बींगील करेक्ट या आई विल ओनली मैरी वैन अ मैन कम्स लिटरली आई एम टेलिंग मेरे को कोई ऐसा तोप इंसान नहीं चाहिए आई वॉन्ट अ मैन हु हैज़ नो प्रॉब्लम विथ मी बींग पावरफुल सिंपल इज दैट आई एम पावरफुल आई हैव अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन एटेड टंग जिसको वो कभी दबाए ना और वो सबको बोले मेरी औरत जो बोलती है बाबा ऐसा नहीं कि मैं उसको दबाऊं बट वो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कभी नहीं रोके क्योंकि ये मैंने तो बड़ी मुश्किल से पाई है ये मैं किसी के लिए नहीं छोड़ रही जब तक अल्लाह हमारा आवाज़ बंद ना कर दे खुदा ना खास्ता तब तक तो नहीं छोड़ रही अब अगर ये जबान आपको कम मर्द फील कराए वो आपका प्रॉब्लम है वो मेरा नहीं है दैट्स माई स्टेटमेंट एवरीवेयर इफ मेरा opinionated होना काम करना चीज़ें संभालना अलहमदल्ला बिकॉज अल्लाह ने मुझे वो लायक बनाया और मुझे वक्त लगा वहाँ पहुँचने तो आज मैं सिर्फ इसलिए एक आदमी आए और बोले मैं हूँ ना मैं कर लूँगा तुम घर में बैठो लेकिन मैं बोलूँगी फिर अगर कल उठ के तुमको वो मेरे अलावा कोई पतली लड़की पसंद आई और तुम छोड़ दिए फिर कौन मेरे को पैसा देगा फिर तुम्हारी आलिमनी के लिए कटोरा लेकिन मैं See, it's that direct. <laughs> ये फियर है, जो आता पहले हम लोग का काम बंद करवाते <laughs> नहीं uh, मेरे को आई फॉर मीट शुड बी एन एक्सिलेटर छोड़ो एक्सेलरेटर <laughs> के लिए भी पेट्रोल होना चाहिए गाड़ी में वो भी पैसे से आता <laughs> तुम क्या एक्सिलरेटर बिना पेट्रोल की गाड़ी में कितना देंगे समझ ले पेट्रोल भी कितना आज हाँ जब हम फुल टैंक करवाते हैं ना हम देते कार्ड कैश इमेजिन hmm. तुमको बोल रहे मैं हूँ ना मैं सब कर रहा हूँ अब बाहर उसको क्या मिल रहा है दुनिया में बिकॉज सी अगर आप मेरे को बोलो कि सब मर्द ऐसे नहीं होते जो शादी के बाद बाहर जिनका डगमगा जाती नीयत तो आई विल से यूर अ लायर मेरे कितने जितने भी रिलेशन रहे वो छिछोरे लोगों के साथ सब लोग ने डामाडोल हुआ क्योंकि बाहर उन लोग को कुछ मिलता है तो वो लोग ये वाली जो है ना इसको कैसे बोलेंगे कि अब नहीं चाहिए mm. तो ये लोग है ना हम लोग को ब्लेम करने लगते हैं यू मेड मी इन टू दिस और इंग्लिश में एकदम ऐसे लड़ने लगते हैं कि आई एम रियली नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड समझ जाना उसको कोई मिल गई जो उसका फ्रेम ऑफ माइंड बना के बैठी है सही में और आदमी क्या करता है ना गोली होती है आदमी क्या औरतें भी आजकल कर रही है लेट्स नॉट बी सक्सेस वो लोग क्या करते हैं ना बाहर ढूंढते एक गोली और ये एक गोली जब तक ये गोली एक्सेप्ट नहीं होगी ना वो लोग इसको नहीं छोड़ते ये हर टंगा हुआ है तो मैं वो टंगी हुई चीज़ थी हर रिलेशन में फिर यहाँ पे सब सेट हो गया शादी वादी एकदम रोका वो का पता नहीं क्या कितना तो तरीके के रसम करते ये लोग एक शादी करने मेरे को लिसन इट्स नॉट वर्किंग मैं बोली तेरे को वर्क कर रहा था जब तक वहाँ गोली नहीं गई थी सो आई सॉ दैट पीपल रिप्लेस ऐसा yeah. तो मेरा पैसा मैं नहीं छोड़ती mm -hmm. मैं तो कमाऊंगी आपके पैसे पे मेरे को भरोसा नहीं तुम कल उठ के एकदम क्वीन लेके आ गए बोले कि तुम इसकी सर्वेंट लग रहे निकलो सीन में से बाहर क्या करोगे कितनी औरतों के साथ हुआ है आदमी बाहर जाता है उसका दिल एकदम ले लेने वाली उसको अप्सरा मिलती कहीं वो बेचारी हाउस वाइफ आउट वा, बाय उसके सामने बच्चे भी पैदा कर रहा है हनीमून पे जा रहा है सेल्फी और ये बेचारी लाइक कर रही है <laughs> वैसी ही मैं <थी। laughs> मैंने कितने मैरिड फोटोज लाइक की हो अपने एक्सो के हैप्पी मैरिज लाइफ जो भी है खुश है अच्छी लाइफ हो तुम्हारी कितना झूठ बोला मैंने <laughs> बताओ <laughs> इतनी दुआएं दी <दिये> है मैंने <laughs> अंदर दिल बोल रहा है तेरा तो तू देख क्या होने वाला है <laughs> वो क्या बोलते हो कावत जैसी करनी वैसी नहीं 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 वो क्या किसी की कबर पे महल बनाओगे तो मुर्दे तो आएंगे रात को मिलने याद रखना hmm. मुर्दे आते हैं मिलने गले लगा के जाते हैं मुर्दा आई एम वेरी स्केर ऑफ इन्फिडलिटी इनफिडेलिटी इज नॉट जस्ट टाइम था इनफिडलिटी वॉज नॉट सो मच मैं आप बोलूँ ना औरत ना आदमी सब बाहर ढूंढ लेते हैं कोई उनको सहलाने वाला भले ही वो उनको पैसे के लिए लूट रहा है mm. और जो अच्छा सीधा इंसान होता है ना जिसका ये लोग वो इंसान लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है माय mm. लाइफ का एक्सपीरियंस आपने किसी का यू नो यू काटो ना यू विल सी दैट पर्सन रीचिंग हाइट्स बिकॉज उस इंसान के साथ अल्लाह होते हैं गॉड होते हैं ओ यू वर चीटेड गॉड विल बी लाइक आई एम विथ यू बिकॉज गॉड इज़ विद द वन हु हैव नो वन जिनका कोई नहीं होता उसका खुदा वो किशोर कुमार जी का गाना है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है तो आई बिलीव इन दैट इसलिए मैं सिंगर हूँ मेरे को बहुत डर लगता है बाबा खुद सिया बहुत डर लगता मैं तो बहुत डर के जीती हूँ बाबा आई सी देट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन वेरी कॉन्टेंट एट द सेम टाइम हाँ डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल है इसमें बहुत बड़ा वन सजदा लाइफ शॉर्ट हो गया मेरा मैं तो बहुत मैं बहुत बिलीवर हूँ फाइव हम लोग का है चलो आई एम अ मुस्लिम मैं बोलती हूँ हर रिलीजन का इंसान के पास भगवान है खुदा है गॉड है क्राइस्ट वॉट एवर यू बिलीव इन हु एवर यू बिलीव इन यू हैव टू जस्ट बाउ टू गॉड गॉड विल नेवर लेट यू बाउ इन फ्रंट ऑफ ह्यूमस आपने खुदा के साथ दिल लगा लिया ना इंसान का कभी लाइफ में भीख नहीं लगेगा कि इंसान का प्यार चाहिए दोस्त चाहिए मेरे आज कितने दोस्त कोई नहीं है रोज़ मिलने वाले बैठने वाले कोई नहीं है है पीपल हु लव मी अडोर मी मैं ये नहीं बोल रही मैं बोल रही ये जो होता है बेस्ट फ्रेंड ये लवर हजबेंड फैमिली फैमिली एंड ऑल गुड बट मेरा दिल है ना दिल वो सिर्फ एक जगह है अब वो नहीं आ सकता इंसानों के पास वो एक लेवल होता है हर किसी का ऐसा अचानक उठ के नहीं होता है टू मच ऑफ ऑफ एंड एंड स्ट्रगल यू यू हैव देन सी ओ गॉड गॉड मतलब भी ना एक मुझे ऐसा लगता है ना अल्लाह का भी कुदरती एक hmm. खेल है जो इंसान को टेस्ट करते है hmm. वो क्या करते हैं ना पहले वो इंसान को इंसान देते हैं गो लव पूरा अच्छा भर के रोमांस करो <laughs> इंसान रोमांस में खुदा को भूल जाता है फिर उसी इंसान से हर्ट करते इंसान को और अब बोलते हैं अब बताओ हु वॉज विथ यू तब वो इंसान को अगर रियलाइज हो गया विद टाइम गुड इंसान क्या कर रहा है ना मैं मेरा ये मिस्टेक था एक लवर खरा दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा सब खराब से और बदतर कंपैरेटिव डिग्री में ऊपर ही जा रहे हैं वो बोलते हैं ना वर्स वर्स्ट वर्स्टेस्ट बैडेस्ट पता नहीं इंग्लिश भी है मेरी चुगने का ही खेत ऐसा हो गया oh.

कि दूसरा आदमी उन लोग को एक टाच भी मारता है mm. ना इनसिक्योर बनाने mm. क्रिटिसिज्म की हवा बना डालते हैं एंड द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग व्हाट द जेंजी या मैं बोलूँगी बहुत सारे आजकल के एडल्ट एल्डर्स mm. भी मतलब एडल्ट बोल रही हूँ यानी बड़े एज के मतलब mm. माएँ देखी मैंने नई मॉम्स होती है जो फिगर कॉन्शियस यू नो वो लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रिटीज को देख के अपना लाइफ उनकी तरह बनाने के लिए वॉन भी हुए पड़े हैं कि वो लोग सेलेब्रिटीज स्टैंडर्ड ऑफ अपियरेंस के लिए अपना रियल सेल्फ को हार्म करते हैं हाउ आई टेल यू सेलिब्रिटीज मेंटेन एक सर्टेन साइज़ एक कैरेक्टर के लिए मोटे होते फिर पतले होते फिर बूढ़ा होने के लिए थोड़ा एज करते फिर यंग होते फिर टाइट करते सब करते hmm. उनका पेशा है हम बेसिक घर में रहने वाली औरतें जब ये पिल्स खाते हैं इन hmm. मशीन्स पे जाते हैं फैट फ्रीजिंग चीज़ें लेते हैं हम हमारी नसों के साथ और जिसम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं mm. और हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना उन लोग के पास है इन चीज़ों को mm. बाउंस बैक कराने के लिए करेक्ट इफ़ आई एम अडल क्लास पर्सन आज मुझे इतने बड़े ब्रांड्स ने स्लिमिंग ट्रीटमेंट ऑफ़र किया है कि वी विल ट्रांसफॉर्म यू एंड आप अपना करियर एकदम शूट करो We will give you the best new body. बोली ये भाई सुन एक जिंदगी है मेरे को कबर में इंसान बन के ही जाने का है ऐसा सिकुड़ा हुआ मुर्दा बन के नहीं जा रहा कि मेरा मतलब जो दफना ने भी आया बोले कौन अरे ये वही है क्या गलत बॉडी तो नहीं उठा ली <laughs>

सप्लीमेंट ले रहे हैं hmm. ये जो कोलाजन आज पी रहे हैं hmm. मैं नहीं पीती आई डोंट सपोर्ट आई डोंट प्रमोट एनी सप्लीमेंट ये खाओ ये पियो ये खाओ ये पियो नो बिकॉज ये, ये चीजें हैं ना ये बिजनेस है एब्सोल्युटली ये धंधा है तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे तुम्हारी नस को इस तरह से hmm. दबा रहे हैं hmm. क्या कर रहे हैं हाँ कुलाजिन ये लोग स्किन से इनसिक्योर्ड है ये लोग को चाहिए कोरियन स्किन और कोरियन स्किन तो सिर्फ उन लोग का जीन्स और जेनेटिकली मिलती है <laughs> इंडियंस को कैसे कन्विंस करें कि हमारा mm. ये प्रोडक्ट इनको कोरियन स्किन देगा ओ यू नो वी गॉट दिस मेड इन कोरिया इट्स सो इजी मैं आज स्किन केयर प्रमोट करती हूँ mm. मुझे मालूम है रियल कौन है फेक कौन है mm. क्योंकि मैं हर चीज़ खुला बोल रही हूँ हाँ खुला ये चीज़ हक़ से बोल रही हूँ अल्लाह गवाहार आई टेस्ट इट मेरे को आँख ने अगर आया ना नो mm. हाँ अलहमदुल्लह आज तक ऐसी कोई ब्रांड आई नहीं है बिकॉज लोगों को पता है कि इसको अगर हमने फेक मार कितने ऐसे पेजेस है पहले मैंने किया है प्रमोट बॉडी oh. पॉजिटिविटी में ही आता है mm. आपका बॉडी का स्किन कलर बदल रहे आई एड प्रमोटेड अजतक फिरुल्ला वंस ट्वाइस मैंने यूज़ किया सिक्स मंथ्स के बाद मुझे मेरी स्किन में नसें दिख रही थी तो मैंने मेरी बहुत अच्छी ब्रांड है जिसको मैं बहुत प्रमोट करती हूँ वो बहुत नॉलेजेबल है स्किन को लेके एंड उसका ब्रांड है पेस्टल जेड हु आई प्रमोट द मोस्ट आई आस्ट यार वो नेचुरल वीगन बना रही थी hmm. बोले ये मुझे नसी क्यों दिख रही है उसने बोला वॉट यू आर यूजिंग हैज स्टेरॉइड्स यानी इफ यू स्टॉप इट यू कैन गेट स्किन कैंसर दैट डे आई स्टॉप्ड मतलब मैंने पहले तो बहुत किया कि मैं बची हूँ क्योंकि अगर लोग हैं ना बारह बारह साल से तो वो क्रीम क्या है सात दिन की होती है एज़ यू अप्लाई एज यू स्टॉप यूजिंग इट गॉन अब अलहमदल्ला जो लोग एक दो छः महीना एक साल दो साल ओके okay, बट जो बारह साल तेरह साल जार में भर भर के दीज क्रीम्स तो दीज क्रीम्स जो है ना द सेवन डी क्रीम द फॉर्मूला क्रीम्स सो दीज आर लाइक कुछ क्रीम्स एक कंट्री है जो बनाते हैं उनका मिक्स करते पाँच क्रीम और स्टेरॉयड ऐड होता है तो वो स्टेरॉयड सडनली ओवर नाइट आपको एक वाइट ग्लो आता है हालांकि वो ग्लो पता है क्या है आप बच्चे थे तो आपका स्किन कलर क्या था वो आपका रियल स्किन कलर है वो वो ही लाता है यू कॉन्ट बिकम वाइट इफ आई एम अ वीटेस्ट पर्सन आई कॉन्ट बिकम वाइट बट आई गेट अ क्लियर स्किन दैट्स वॉट वी वर्क फॉर सो इन पेस्टर जेट वीलवेज चेंज योर स्किन कलर चेंज योर स्किन टेक्स्चर करेक्ट आई नेवर प्रमोडा पैदा हुए आ भी हु डू वी लुक लाइक लोग मेरे को आज बोलते हैं अब यह एक्ट्रेस दिखते हो एक्ट्रेस दिखते हो वैसे दिखते हो अब थोड़ा पतला हो जाओ वैसे दिखोगे थोड़ा पतला हो जाओ वैसे दिखोगे बट हु डू वी लुक लाइक एवरी वन इन दिस रूम हम हमारा माँ बाप जैसे दिखते हैं सो वी आर हेटिंग आर पेरेंट्स का फीचर्स इफ वी कॉल आर से हम लोग सम विमेन डेलिबरेटली डू दिस हाँ प्लीज़ लेट मी टेल यू ऑन दिस पॉडकास्ट अगर आपके साथ ऐसा होता है विमेन विल कम दे वेरी ब्यूटिफुल अच्छा स्किन है एकदम पतला पा है मैं बहुत बुरी देख रही हूँ मैं क्यों इतनी काली लग रही हूँ दे आर टेलिंग यू यार मेरा पेट देखना आगे आ गया है पेट है उसका तो वो तुम हमको बोल रहे हैं ना तुम किसको बोल रहे हो अब यही कोई औरत सामने बैठी हो जो सावली हो फैट हो उसको कितना इनसिक्योर अंदर वो अपने आप को अग्एस्ट इंसान समझेगी दिस इज आवर पीपल मेंटली खेलते हैं मैंने mm. मेरा लाइफ चेंज पता है कहाँ हुआ वेर आई लव्ड बॉडी पॉजिटिविटी कहाँ आया मेरी लाइफ में आई वॉज इन अमेरिका मेरा हाफ फैमिली मेटर्नल साइड यूएस में रहते हैं मैं वैकेशन पे गई थी आई वॉज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड फर्स्ट टाइम अकेले अमेरिका गई थी और मैं खुद को है ना बहुत मैं नया नया मोटा हो रहा था तो हो रही थी <laughs> तो नया नया मोटी हो रही थी पेट आ रहा है ये आ रहा है आई वॉज़ वेरी स्लिम hmm. पंद्रह सोलह में मैं बहुत स्लिम थी तभी तो मैं एक्ट्रेस बनने आई थी तो मैं वहाँ गई और मेरा पेट एंड यू नो थिंग्स गर्दन डार्क हो रही है आई सॉ इतना एक लेडी थी मेट्रा होती है वहाँ पे ट्रेन वेरी फैट लेडी फैट वीमेन वॉट कॉन्फिडेंस ऐसा चल रही है या यू नो आई लव द स्क्रॉप टॉप पहनी है पैंट पहनी है कलर्ड बाल क्या मेकअप कि उसका फैट पना मैंने देखा ही नहीं मैं बोली क्या ब्यूटिफुल लग रही है यार कॉन्फिडेंस उनको बोल के दिखाओ वाई यू सो फैट एक्सक्यूज मी वाई यू सो जॉबलेस ये उन लोग से आया मेरे में थैंक्स टू माई मॉम्स ब्रदर हू गेव मी दैट ट्रिप वरना मेरे को कभी नहीं रियलाइज mm. होता कि हम लोग इधर पे ना आस पास आई एम नॉट सी इंडिया बैकवर्ड है बट इंडिया में ना बहुत सोसाइटी सोसाइटी mm. वो लोग ऐसे नहीं है वो लोग कैसे अरे जाओ यार यो नॉट गिविंग मी पॉजिटिविटी डोंट गिव मी नेगेटिविटी और वो लोग बहुत एडुकेटेड होते हैं mm. तो वो लोग अपना भेजा यूज़ करते हैं करेक्ट आप कोई जाओ ना दूसरी कंट्री के इंसान को बोलो ये पीने से तुम पतले हो पंद्रह दिन में रिसर्च में भेजेंगे वो प्रोडक्ट पहले कैन यू टेल मी वॉट इज इन दिस कैन यू टेल मी द इन्ग्रीडियंट्स हम में से कितने लोग सनस्क्रीन पे इन्ग्रीडियंट्स पढ़ते हैं मैं पढ़ती हूँ वन एवर आई इनग्रीडियंट देर आर सर्टन थिंग्स यू नो आर बैड बट हम लोग ना बहुत केयरलेस है अपने को चाहिए हम उठे हैं ये लंबे स्ट्रेट बाल स्किन एकदम <laughs> <Glass laughs> वो जो केचरी जी वर और हमारा पेट एकदम ऐसा वी आर लाइक पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू नो वी विल टॉक लाइक विद अ फेक एक्सेंट वी आर दैट बिग ऑफ वन अभी

आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्ज़ा बिकॉज आई डोंट गेव अ एफ अबाउट द वर्ल्ड बट आई गेव एफ अबाउट डायबिटीज़ एनी आई गेव एफ अबाउट कोलेस्ट्रॉल वी हैव टू लव तो ये बहुत रॉन्ग चीजेस इग्नरेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड एडुकेशन कम्प्लीट नहीं करना बस ये सोचना कि आई वॉन्ट अ लुक प्रिटी एंड गेट अ रिच मैन दिस इज़ अ काइंड ऑफ पीपल आई डोंट लाइक करेक्ट ये वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डब्बा भर के लाइक आई वॉन्ट अ लुक प्रिटी For myself, I do this makeup for myself. blush, My blush, my face, my cheeks, my money, honey. It's all mine. I will again do what you don't like. <laughs> so that's the thing. That's me on body positivity. I love it. I love it. I would want to quickly ask you a few questions. Pakka, पक्का and, चलो. Uh, witty, fiery. Full, full fire. Yes, full on fire. मेरे पास तो बहुत आ गए आज. <laughs> <laughs> मैं तो यहाँ पे देखो ना carbon dioxide spray भी लेके बैठी हूँ. Fire extinguisher. <laughs> <laughs> What is the one value that you stand by? अपना उसूल down नहीं करने का. No matter सामने तो पादमी है because nobody is greater than. गॉड करेक्ट बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ कि मुझे ना जो एज में मैं एक आदमी से दूसरे पर जो जम्प कर रही थी ना और ये खराब रिलेशनस हुए आई शुड हैिवन दैट लव टू माई सेल्फ शायद मैं तभी कुछ उखाड़ लेती mm. वो मेरे को है रिग्रेट है मतलब आईव बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्ड टू माई पेरेंट्स आई शुड हैव अंडरस्टंड यार आज मैं जो नहीं ले पाऊँ mm. मेरी बेटी कह रही है मैं ऐसा उसको ठोक बैड बोलेगा ओ यू हिट योर किड ना कोर्स माय मॉम मी दैट्स व्हाई आई हैव सम गुड वैल्यूज मे बी बिकॉज आप लोग बच्चे को सब एकदम तो मेरा एक रिग्रेट ये है डिफ़िकल्ट चाइल्ड लाइफ वाज अल्लाह अकबर आई एम सो हैप्पी दैट आज मुझे वो रियलाइज होता है कि डिफ़िकल्ट नहीं रहने का पेरेंट्स की तरफ गए ना पेरेंट्स फिर बहुत रिग्रेट होगा वो रिग्रेट रियल होगा करेक्ट आई एग्री What is the most difficult challenge you ever faced? I think uh, I am facing now also. मेरे में discipline नहीं है. I don't have discipline. मैं I'm organized, mm. great at my work. अपने पे जब आता है ना, I'm not disciplined. ये सब you see me having the body that I have. It's nothing. It's nothing. It's just that जो चीजें मुझे करनी है अगर मैं वो real में कर ली ना मैं बहुत अच्छा मेरा आई वॉज एन एथलीट एथलीट बोलते हैं मैं स्विमिंग साइकिलिस्ट आई वॉज नो बडी नोज दिस बहुत स्विमिंग करती थी बहुत स्विमिंग अंडर वाटर साइकिल इतना एंड आई रियली विश कि मेरा गोल है ये कि मैं ये डिसिप्लिन पे एक दिन वर्क करूँगी ना तो आई एल अगेन बी हु आई वॉज बिकॉज आई वॉज अ वेरी एक्टिव किड मुझे वो मिस करती हूँ कि मैं बहुत रफ एंड टफ लड़की थी लड़का जैसी थी सब मारे ठुक जाए इंसान तो आई वॉज आई मिस दैट अबाउट मी अब मेरा थोड़ा ना एटीट्यूड कैसा है पता है इट्स ओके गिव अप ऑन द टेस्ट एक कबाब खा के तो मरूंगी है ना लाइक दैट सो इट्स रॉन्ग लाइक इट्स लाइक आई एम टेकिंग माई सेल्फ अ लिटिल बट

आई थिंक आई हेव लर्नड फ्राम आई थिंक आईव लर्नड फ्राम कुरान सम वन तो नहीं फ्राम कुरान कि द रिलिजन विच इज़ इन दैट बुक लोगों में वो नहीं मिलेगा वो किताब बहुत अलग है और वो किताब ने मुझे बहुत हील किया कुरान ने मेरे मेंटल स्ट्रेस पैनिक अटैक एंगजाइटी सब कुछ ले लिया बिकॉज़ कुरान में अल्लाह ने मुझे इतनी होप दी कि वो कोई इंसान कभी नहीं दे पाया What is the most inspiring thing you have ever seen? Ever seen? I've seen myself coming out of a suicidal night into this. Wow, amazing! It was lovely t talking with you. I did not even realize that we have spent so much of time. <laughs> it just feels we were just sitting and chit chatting. Uh, lastly, uh, any message to the youth that is watching you right now on this channel? स्टे अ लाइव बिकॉज यू डोंट नो वाट्स गोइंग टूपन आफ्टर फाइव ईयर्स एम अ लाइव एग्जाम्पल फाइव ईयर्स बैक अगर मेरे को मालूम होता कि ये सब होने वाला है फाइव ईयर्स बैक मे को नहीं मालूम मेरे को लगे यही है यार कचरा लाइफ है यही सब डिप्रेशन है एंग्जाइटी है नहीं मालूम तुम लोग को लिटरली लाइफ ओवर नाइट भी बदलता है मेरा कोई ओवर नाइट नहीं बट बदलता है सो होप रखने का काम करने का ऑनेस्ट रहने का सिंसियर रहने का और माँ बाप के साथ ना रिश्ता नहीं खराब करने का थोड़ा उन लोग को भी समझो यार वो लोग जब तुमको पैदा करते हो उन लोग को नहीं मालूम वॉट वी आर गोइंग टू टर्न आउट इन टू सो इट्स न्यू फॉर देम अंडरस्टैंड देम एंड दे विल सपोर्ट यू एंड कुछ नहीं है तो टेक गॉड सपोर्ट भगवान के घर गर, क्या बोलते हैं वो कहावत है देर है अंधेर नहीं लाइव एग्जाम्पल थैंक यू सिया दिस इज़ फॉर यू बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया बहुत जल्दी किया तुमने hmm. लेकिन आज मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है कि मैंने ये सब जो बोला है ना yeah. ये मुझे ज़रूरत थी बोलने की क्योंकि दो दिन पहले आई वॉज़ गोइंग थ्रू समथिंग सम फीलिंग एंड इट्स लाइक आई गेट अ प्लेटफॉर्म टू से वट आई फील लाइक तो उससे बड़ा एक एज अ राइटर एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मेरे लिए कुछ नहीं है कि मेरे लोगों के लिए ये बातें हैं बट मेरे लिए ये मेरा अपना तजुर्बा है एक्सपीरियंस जो मैं चाहती हूँ ज़्यादा नहीं एक इंसान पे भी प्रभाव पड़े बहुत बड़ी चीज़ होगी एक बच्चा भी लो फेज़ में समझ गया ना कि मैं कर सकता हूँ तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट चांस एंड यू आर अ रियली नाइस पर्सन मैं आपसे ज़्यादा मिली नहीं हूँ बट आपने जिस प्यार और आँखों में आपके वो प्यार और प्रेम दिखा वेन यू आर आस्किंग मी दीज क्वेश्चन एड आई कैन सी के यू नो यू रियली वॉन्ट टू नो दिस सो थैंक यू थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉड मीन्स अ लॉर्ड थैंक यू